सिर्फ बेरोजगारी ही नहीं, आज देश का सबसे बड़ा विषय बेरोजगारी तो है। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी के 18-18 घंटे काम करने के बावजूद, डेली जो 18 घंटे काम कर रहे हैं उसके बावजूद 55 लाख के करीब में केसेस कोरोना के हमारे देश में हो गए हैं। लगभग 90,000 लोगों की मौतें हो गई हैं और सरकार हाथ पर हाथ धर करके बैठी हुई है। सिर्फ लॉकडाउन ही इसका एक तरीका नहीं है। 500 केसेस में आपने लॉकडाउन कर दिया, आज जब लगभग 55 लाख केसेस यहाँ पे कोरोना के हो गए हैं तो आपने लॉकडाउन नहीं कर रहे हो। आपने इस देश का ही नहीं तो दुनिया का सबसे मजबूत सबसे कठोर लॉकडाउन किया, जिसके कारण आप इस कोरोना की चेन को नहीं तोड़ पाए, लेकिन आपने देश की आर्थिक स्थिति को पूरी तरह से तोड़ करके रख दिया। उत्तर प्रदेश में पीपी किट का भी घोटाला आप लोगों के सामने से आया है। सिर्फ पीपी किट घोटाला नहीं हुआ है, कोरोना टेस्टिंग किट भी घोटाला हुआ है। जो थर्मामीटर, जो 1800 रुपए का थर्मामीटर था उसको 5400 रुपए में बेचा गया है, और जो ऑक्सीमीटर, पल्स ऑक्सीमीटर जो मात्र 800 रुपए इसकी कीमत है उसको 1400 रुपए में बेचा गया है। क्या लगातार कोरोना क्वारंटाइन सेंटर में घोटाला हो रहा है, आइसोलेशन वार्ड जो बनाया गया उसमें घोटाला किया जा रहा है, और एम्बुलेंस प्रोवाइड आप नहीं करा पा रहे हो, आप एम्बुलेंस के साथ साथ मरीजों को बंद नहीं दे पा रहे हो। अगर कोई पॉजिटिव हो जा रहा है तो पॉजिटिव होने के बाद 11-12 घंटे वो इंतजार कर रहा है, अगर वो एम्बुलेंस को बुला रहे हैं एम्बुलेंस नहीं आ रही है, उसके बाद उसको बेड नहीं मिल पा रहा है, अगर बेड मिल रहा है तो अगर वो सीरियस हो जा रहा है तो सीरियस होने के बाद उसको वेंटिलेटर नहीं मिल पा रहा है, वेंटिलेटर अगर मिल जा रहा है तो उससे ठीक तरह से उपचार नहीं हो पा रहा है। सरकार पूरी तरह से इस कोरोना काल में, इस महामारी की लड़ाई में पूरी तरह से फेल हो गई है। योगी सरकार।